दोस्तों अगर आप सैमसंग को देखोगे तो वो आज की डेट में पूरा फॉर्म में है, चाहे आप देख लो सैमसंग की एम सीरीज या आप देख लो सैमसंग की ए सीरीज। इससे पहले मैंने आपको वीडियो दी थी सैमसंग गैलेक्सी A50 की, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी A30 जिसका प्राइस रखा है सैमसंग ने 6990। यहाँ आपको मिलती है 4GB की रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। अब आप में से काफ़ी लोगों के माइंड में एक बात आ रही होगी कि हम ये फ़ोन क्यों लेंगे जबकि मार्केट में अवेलेबल है Redmi Note 7 Pro या फिर Redmi Note 7 जो कि इससे काफ़ी कम प्राइस में हमें मिल जाते हैं। तो अब आपको एक बात समझनी होगी, जो ऑनलाइन मार्केट है उसके अलावा एक बहुत बड़ी मार्केट है ऑफलाइन मार्केट। आज भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो सिर्फ ऑफलाइन फ़ोन लेना पसंद करते हैं ऑनलाइन की जगह पे। और अगर आप देखते हो टायर 2 या टायर 3 सिटीज़, वहाँ भी लोग ऑफलाइन ही फ़ोन लेना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है कि ऑनलाइन फ़ोन ऑर्डर किया जाए। अब अगर हम बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी A30 की, तो इस फ़ोन में आपको ऑफलाइन मार्केट के हिसाब से बहुत ही ज़बरदस्त फीचर्स देखने को मिल रहे हैं और आपको इसमें कुछ ऐसा भी मिल रहा है जो कि आपको आज तक Xiaomi, Honor, Asus या Realme ने ऐसी प्राइसिंग पे नहीं दिया। उससे पहले मेरा आज का क्वेश्चन ये है आप सबसे, आप में से कितने लोग हैं जो कि ऑनलाइन की जगह पे ऑफलाइन फ़ोन लेना पसंद करते हैं, नीचे कमेंट्स में बताना मुझे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक्स का आज हम टारगेट रखते हैं 10,000। ये हमारा बॉक्स सैमसंग गैलेक्सी A30 का, यहाँ भी आपको मिलता है इन्फिनिटी यू डिस्प्ले। ये बैक साइड पे बाकी सब डिटेल्स हैं। ये मेरे पास वेरिएंट है 4GB रैम 64GB स्टोरेज वाला। बाकी आपको क्या इसमें मिलता है सब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। पहले हम जल्दी से बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं क्या खास बात है इस डिवाइस की। बॉक्स ओपन करते ही ऊपर एक और बॉक्स आपको मिल जाएगा। इस बॉक्स में एक तो बैक कवर है और साथ में आपको मिलती है यूज़र मैनुअल्स। उसके बाद है डिवाइस, इसको भी हम रखते हैं साइड में, देखते हैं और क्या है बॉक्स में। यह आपको मिलता है एक ट्रैवल चार्जर। अब अच्छी बात यह है कि यहाँ भी आपको मिलता है सैमसंग की तरफ से फास्ट चार्जर बॉक्स में ही, और यहाँ नीचे आपको दी गई है सिम इजेक्टर पिन, और बॉक्स में आपको मिलती है USB-C टाइप डेटा केबल, और आपको दिए गए हैं ईयरफोन्स। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। तो ये कंटेंट है बॉक्स में। अब हम रखते हैं सब साइड में और देखते हैं डिवाइस। ये हमारा सैमसंग गैलेक्सी A30। अगर हम देखते हैं इसको बैक साइड से तो यहाँ आपको दी गई है ग्लास फिनिशिंग, और आपको थोड़ा अलग सा पैटर्न मिलता है बैक साइड पर, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। आपको एक ऐसा का डिज़ाइन ऊपर पोल में बताना मुझे, मुझे ये डिज़ाइन देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसके अलावा अच्छी बात ये लगी मुझे, जो इसका कैमरा है बैक साइड पे वो ज़्यादा बाहर की तरफ नहीं निकला हुआ, जैसे कि आप देख सकते हैं हल्का सा बाहर निकला हुआ है। इसको हम कवर से ईजिली कवर कर सकते हैं। और दोस्तों ये फ़ोन काफ़ी स्लिम है, इन हैंड फील इस फ़ोन की काफ़ी अच्छी है, और इसमें आपको मिलती है 4000mAh की बैटरी। फिर भी आपको ये फ़ोन हाथ में लेकर हैवी नहीं लगेगा, ये इस फ़ोन की एक खास बात है। और अगर हम बात करते हैं बैक साइड की, तो यहाँ आपको ग्लास या मेटल नहीं मिलता, यहाँ आपको मिलता है पॉलीकार्बोनेट, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। राइट साइड पे आपको मिलता है पावर बटन और वॉल्यूम रोकर्स। लेफ्ट साइड पे दी गई है सिम कार्ड ट्रे, और यहाँ ट्रिपल स्लॉट है, ड्यूअल सिम के साथ आप SD कार्ड भी लगा सकते हो, और साथ में आपको ड्यूअल 4G वोल्टी का भी यहाँ सपोर्ट मिलता है। नीचे आपको दी गई है स्पीकर ग्रिल, मेन माइक्रोफोन, USB-C टाइप पोर्ट और ऑडियो जैक। और बैक साइड पे आपको मिलता है ड्यूअल कैमरा का सेटअप, नीचे दी गई है LED फ्लैश, और साथ में यह फिंगरप्रिंट स्कैनर, और आपको मिलती है सैमसंग की ब्रांडिंग। यहाँ प्राइमरी कैमरा है 16 MP का f/1.7 अपर्चर के साथ, और सेकेंडरी कैमरा आपको मिलता है 5 MP का, यह है अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस। फ्रंट की अगर हम बात करते हैं तो मैं एक बार डिवाइस को ऑन करता हूँ। यहाँ आपको दिया गया है 6.4 इंच का सुपर एमोलेड पैनल। डिस्प्ले इस फोन का काफ़ी अच्छा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। कलर्स वगैरह इसमें काफ़ी अच्छे आपको देखने को मिलते हैं। आपको बताइए जो एमोलेड पैनल होता है उसकी बात ही कुछ और होती है। अगर आपको ये सनलाइट में भी यूज़ करना है तो भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही ब्राइट आपको ये डिस्प्ले मिलता है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। ये है इन्फिनिटी यू नॉच, यहाँ आपको मिलता है फ्रंट कैमरा 16 MP का f/2.0 अपर्चर के साथ। और जहाँ तक यूजर इंटरफेस की बात है तो यहाँ आपको मिलता है One UI। और अगर हम देखते हैं कौन सा एंड्रॉयड वर्जन है इसमें, तो यहाँ आपको दिया गया है Android 9। ये भी एक काफ़ी अच्छी बात है। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करते हैं तो इस फ़ोन में आपको मिलता है एक्जीनोस का 7904, जो कि आप देखते हैं अगर ऑफलाइन मार्केट के हिसाब से तो काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप PUBG खेलते हैं तो यहाँ आपको PUBG HD में खेलने का ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आपको PUBG खेलनी है इस फ़ोन में तो आप खेलिए बैलेंस्ड ग्राफिक्स पर, तब आपको इसमें अच्छा एक्सपीरियंस होगा PUBG खेलने का। और अगर आपको सैमसंग का फ़ोन गेमिंग के लिए लेना है ऐसी प्राइसिंग पे, तो आप ले सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी A50। उसमें आपको गेमिंग का एक्सपीरियंस ज़बरदस्त होगा सैमसंग गैलेक्सी A30 के कंपैरिजन में। अब एक बार हम इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक चेक कर लेते हैं कैसे काम कर रहा है। पहले हम जरा फिंगरप्रिंट स्कैनर चेक करते हैं, टैब अनलॉक टैब, तो ये काम कर रहा है अच्छे से। अब चेक करते हैं फेस अनलॉक,
पावर बटन अनलॉक। इसमें भी बस एक बार लॉक स्क्रीन दिखेगी आपको, उसके बाद ही अनलॉक हो जाएगा। सेंसर्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ सेंसर्स में कोई कमी नहीं है, सभी जरूरी सेंसर्स आपको इस फ़ोन में मिलते हैं। और दोस्तों आपको इस फोन में मिलता है ड्यूल बैंड वाईफाई का सपोर्ट, ये मैंने कनेक्ट किया हुआ है 5 GHz वाले बैंड के साथ। और यहाँ आपको सपोर्ट मिलता है वाइडबैंड लाइसेंस L1 का। इस फोन में आप फुल HD कंटेंट एंजॉय कर पाओगे Amazon प्राइम वीडियो या नेटफ्लिक्स जैसी साइट्स पर, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। अब हम एक बार इसका कैमरा देख लेते हैं कैसा है। ये आपको इंटरफेस मिलता है। अब यहाँ खास बात यह है कि आपको मिलता है अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस। ये देखिए इस तरह से वाइड एंगल शॉट्स आप कैप्चर कर सकते हैं इसमें, और नॉर्मल लेंस है 16 MP का। और अगर हम वीडियो की बात करते हैं तो यहाँ फ्रंट और रियर दोनों कैमरा यूज करके फुल HD वीडियो कैप्चर कर सकते हो, और साथ में आपको वाइड एंगल वीडियो कैप्चर करने का भी ऑप्शन मिलता है। और अगर हम फ्रंट कैमरा देखते हैं तो यहाँ आपको मिलता है फ्रंट कैमरा 16 MP का F2.0 अपर्चर के साथ, और आपको यहाँ स्क्रीन फ्लैश का ऑप्शन मिलता है फ्रंट कैमरा के लिए। अब हम देख लेते हैं कुछ कैमरा सैंपल्स, ये इमेजेस देखकर आपको आइडिया हो जाएगा कैसा इसका कैमरा है। तो ये था सैमसंग गैलेक्सी A30। अब आपको ये फोन कैसा लगा वो आप बताओगे मुझे कमेंट्स में। मैं अगर अपनी बताऊं तो मुझे ऑफलाइन मार्केट के हिसाब से ये फोन काफी अच्छा लगा। इसका जो डिस्प्ले है वो बहुत ही जबरदस्त है। आपको ऐसा डिस्प्ले आज तक ऐसी प्राइसिंग पे Xiaomi, Asus, Realme या Honor किसी ने भी नहीं दिया। सुपर एमोलेड पैनल है ये। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ सैमसंग गैलेक्सी M30 या A50 से, उनका डिस्प्ले भी ऐसा ही आपको देखने को मिलता है। इन तीनों का ये डिस्प्ले जबरदस्त लगा मुझे। और इस फोन की मुझे खास बात लगी है, ये फोन काफी स्लिम है, आपको होल्ड करने में काफी अच्छा लगेगा। ये कॉल क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से आप इसको यूज कर सकते हैं। नेटवर्क में भी इसमें कोई इशू नहीं है। आपको बस एक बात का ध्यान रखना है, अगर आपको ऑफलाइन मार्केट से गेमिंग के लिए कोई डिवाइस चाहिए तब आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा सैमसंग गैलेक्सी A50। लेकिन अगर आपका नॉर्मल यूज है तब आप ये डिवाइस भी ले सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब आप बताओ कि आपको ये फोन कैसा लगा, क्या लगे आपको इसकी खास बात और क्या लगे आपको इसमें कमी, कमेंट्स में बताना मुझे। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ हेल्प मिली होगी इस वीडियो से, और आपको हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।